मंदसौर जिले के गांव धमनार में एक अनोखी परंपरा, यहां रावण के नाक पर मुक्का मारकर किया जाता है रावण का वध। मंदसौर जिले के गांव धमनार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दशहरा पर्व ग्रामवासियों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दूर दूर से गांव की बहन बेटियां इस पर्व को मनाने गांव पहुंची। दिवाली से ज़्यादा गाँव के लोग इस पर्व को ज़्यादातर मान्यता देते हैं। इसके बाद सीधे राम रावण के युद्ध की तैयारियाँ की गई। सभी लोग सीमेंट से बनी रावण की प्रतिमा के पास पहुंचे, जहां पर की सेना के बीच जलते हुए टोबलों से युद्ध की शुरुआत की गई। राम की सेना की ओर से जलते हुए टोबले रावण की सेना के ऊपर फेंके गए। करीब 40 मिनट से चले इस युद्ध से राम सेना की ओर से परमेश्वर धाकर ने रावण की नाक पर मुक्का मारकर वध किया, जिसके बाद राम की सेना विजय जुलूस पूरे गाँव में निकाला गया। वहीं हनुमान मंदिर पहुँच कर गाँव के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निकला। इस मौके पर दलोदा थाना प्रभारी धुंधड़ का नायब तहसीलदार सहित क्षेत्र की पुलिस मौके पर मौजूद रही। दलोदा से हमारे रिपोर्टर शाहरुख रज्जा जी। सर जी, गांव धमनार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार यही है। उसके बाद यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा सुबह में रंगोली का कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद पंचायत बाड़ी आती है, उस रंगोली का इनाम देती है। उसके बाद प्रत्येक मंदिर से बाबू जी नगर भ्रमण करते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे लंका दहन होता है, जिसमें 15 से 20 मिनट लंका दहन होती है। उसके बाद रावण पर चढ़ाई शुरू कर दी जाती है, जिसमें राम की सेना और रावण की सेना दोनों रहती है। राम की सेना ऊपर चढ़ती है, रावण की सेना नीचे घिसती है। उसके बाद काफ़ी घंटों मकसद करने के बाद राम की सेना आखिरकार जीत पाई लेती है। इस प्रकार यहाँ कई वर्षों से यह परंपरा चल रही है। नाक पर मुक्का मारने क्या नाक पर मुक्का क्यों मारा जाता? राम का मुक्का इसलिए मारा जाता है कि कई सालों पहले राम जी ने रावण का वध किया था, तो उसी परंपरा के समथिंग ये यहाँ पे चालू कर रखा है। जो जलते हुए फेंकते हैं, इससे कभी कोई दुर्घटना हुई है या कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई? राम जी का आशीर्वाद है, कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। कोई जलता कुछ नहीं है। धमनार में बहुत ही अलग तरीके से रावण दहन किया जाता है। इसमें जो मूर्ति बनी हुई है, तो राम की सेना और रावण की सेना दोनों में युद्ध होता है और मुक्का मारा जाता है। मूर्ति पे जो स्थायी रूप से बनी हुई उस पर मुक्का मारा जाता है, फिर ये युद्ध खत्म होता है। आज जब भी थोड़ी देर पहले ही एक व्यक्ति, क्या नाम था, परमेश्वर के द्वारा मूर्ति को मुक्का मारकर और इस युद्ध को ख़त्म किया गया। बहुत ही अनोखी परंपरा है। और पहले दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, राम की सेना चढ़ती है, रावण की सेना खींचती है, और जो टोपले जला जला के ऊपर भी फेंकते हैं। अद्भुत और मनोरंजनात्मक तरीके से यहाँ मनाते हैं धमनार। पुलिस के लिए यहाँ पे NRS के 50 जवान थे और तहसीलदार साहब हैं। इसके अलावा हमारे थाने के जो स्टाफ हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, थाने का स्टाफ था और फायर ब्रिगेड थी। सभी तरीके से बैरिकेडिंग करके और व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम करवाया गया। कितनी भीड़ होगी? करीब 10,000-12,000 के आसपास भीड़ होगी।